आईजी पंजाब की जेर सदारत ट्रैफिक पुलिस के सर्विस स्ट्रक्चर की बेहतरी बारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम इजलास। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर मुतअद्दिद अफसरान की ट्रांसफर। डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डाकुओं के खिलाफ मुतहरिक। कोट लखपत डॉल्फिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। और गुजरात पुलिस थाना सिविल लाइंस ने जाली आमिल गिरफ्तार कर लिया। जाली आमिल ने 11 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। अस्सलाम वालेकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं आजिल हसनात। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आईजी पंजाब की जेर सदारत ट्रैफिक पुलिस के सर्विस स्ट्रक्चर की बेहतरी बारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम इजलास हुआ है। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज की खसूसी हदायत पर ट्रैफिक वार्डन्स और इंस्पेक्टर्स की तरक्कियों का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब भर में 295 ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। 70 सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स को DSP ट्रैफिक के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। इजलास में ट्रैफिक पुलिस के मुख्तलिफ रैंक्स पर नई सीटें मंजूर करवाने और मजमूई तौर पर 4700 सीटों पर भर्तियाँ करने का प्रोसेस शुरू करने का हुक्म दिया गया है। मजीद आईजी पंजाब का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस के जवान सख्त गर्मी में अपने फ़राइज़ पूरी तंदही से सरंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के सर्विस स्ट्रक्चर में बेहतरी लाने से फोर्स का मोराल बेहतर होगा। DIG टैली और CTO लाहौर ने सर्विस स्ट्रक्चर में तरामीम बारे आईजी पंजाब को ब्रीफिंग दी। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर मुतअद्दिद अफसरान की ट्रांसफर्स की गई हैं। बाबर सरफराज अल्पा को RPO फैसलाबाद, तैयब हफीज सीमा को RPO साहिवाल तैनात किया गया है, जबकि RPO मुल्तान राजा रिफत मुख्तार को RPO बहावलपुर का चार्ज भी दे दिया गया है। कमरान आदिल को DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात किया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शहजादा सुल्तान, RPO फैसलाबाद इमरान महमूद, RPO बहावलपुर शेर अकबर और RPO मुल्तान जवेद अकबर की खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई हैं। डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डाकुओं के खिलाफ मुतहरिक। कोट लखपत डॉल्फिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया है। डॉल्फिन ने दौरान पेट्रोलिंग मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, मगर मुलजमान ने फौरी फरार होने की कोशिश की। डॉल्फिन फोर्स ने ताकुब के बाद फिरोजपुर रोड पर मुलजमान को राउंडअप कर लिया। मुलजमान के कब्जे से पिस्टल, मोबाइल और कैश बरामद हुए हैं। मुलजमान के जेर इस्तेमाल शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। मुलजमान पर चोरी, डकैती और संगीन जराइम के दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर पुलिस का LPG की गैरकानूनी फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रमा साल के दौरान मजमूई तौर पर 285 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सिटी डिवीजन से 41, कैंट और सिविल लाइन डिवीजन से 32 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। सदर लाहौर से 108, इकबाल टाउन से 48 और मॉडल टाउन डिवीजन से 24 मुलजमान भी गिरफ्तार किए गए हैं। गैर मेयारी सिलेंडर्स के इस्तेमाल के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुजरात पुलिस थाना सिविल लाइन ने जाली आमिल गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने 11 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुतासरा बच्ची का वालिद बच्ची को रूहानी इलाज के लिए अब्दुल शकूर नामी आमिल के पास लेकर गया। आमिल ने बच्ची के वालिद को 3 मुख्तलिफ मसाजिद से पानी लाने के लिए भेजा और बाद में बच्ची को जिनसी हवस का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए PSCA.media और सोशल मीडिया पेजेस।